छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री भूपेश बघेल का एक वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है, जिसमें वह कैंडी क्रश खेलते नजर आ रहे हैं। बताया जा रहा है कि जब कांग्रेस की अहम बैठक चल रही थी, तब सीएम मोबाइल में गेम खेल रहे थे। भारतीय जनता पार्टी ने इसको लेकर सीएम और कांग्रेस दोनों पर निशाना साधा। सीएम ने ट्वीट कर बताया है कि वो कैंडी क्रश में 4400 लेवल पर है। कैंडी क्रश खेलने कोई अपराध है क्या? और हम तो हमेशा खेल मैं कभी तनाव नाम नहीं रहता। ये भारतीय जनता पार्टी के लोग चुनाव आते ही सक्रिय होते हैं। हम 5 साल सक्रिय रहे, 5 साल लोगों के बीच रहे, काम करते रहे, तनाव में। अब जैसे जैसे चुनाव, अब कैंडिडेट डिक्लेयर हो जाएगा और तनाव हमारा कम हो जाएगा। फिर प्रचार यहाँ शुरू हुआ तो और बिल्कुल तनाव मुक्त। सीएम ने लिखा, पहले भाजपा को एतराज था कि मैं गेड़ी क्यों चढ़ता हूँ, भौरा क्यों चलाता हूँ, गिली डंडा क्यों खेलता हूँ, प्रदेश में छत्तीसगढ़िया ओलंपिक क्यों हो रहे हैं। उन्होंने लिखा, कल एक बैठक से पहले फोटो मिल गई जिसमें मैं कैंडी क्रश खेल रहा हूं। अब भाजपा को उस पर एतराज है, दरअसल उनको मेरे होने पर ही एतराज है। पर ये तो छत्तीसगढ़ के लोग हैं जो तय करते हैं कि कौन रहेगा कौन नहीं रहेगा। सीएम ने लिखा, मैं गेड़ी भी चढ़ूंगा, गिल्ली डंडा भी खेलूंगा, कैंडी क्रश भी मेरा फेवरेट है, ठीक ठाक लेवल पार कर लिया हूं, वो भी जारी रहेगा। बाकी छत्तीसगढ़ को पता है किसे आशीर्वाद देना है। आपको बता दें कि मंगलवार को रायपुर में प्रत्याशी चयन को लेकर पहले कांग्रेस प्रदेश चुनाव समिति की बैठक हुई। इसके बाद रात में कांग्रेस स्क्रीनिंग कमेटी की बैठक हुई। ये वीडियो स्क्रीनिंग कमेटी की बैठक शुरू होने से पहले का है। बैठक में कमेटी के सदस्य डिप्टी सीएम टीएस सिंहदेव का इंतजार हो रहा था। इसी बीच मुख्यमंत्री भूपेश बघेल कैंडी क्रश खेलने लगे। इसी वक्त बैठकी रूम में कांग्रेस के ही पदाधिकारियों ने बैठक का वीडियो और फोटो खींचने लगे। संचार विभाग के प्रमुख सुशील आनंद शुक्ला भी फोटो खींचते हुए नजर आ रहे हैं। लेकिन जो वीडियो वायरल हुई है, उसे किसने बनाया है, इसका अब तक खुलासा नहीं हो पाया है। अब इसी तस्वीर के सहारे बीजेपी सीएम भूपेश बघेल की गंभीरता पर सोशल मीडिया पर सवाल उठा रही है। बीजेपी आईटी सेल के प्रमुख अमित मालवीय ने यह तस्वीर ट्विटर पर शेयर करते हुए लिखा, छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री भूपेश बघेल भी निश्चिंत हैं। उन्हें पता है कि कितनी भी माथापच्ची कर ले, सरकार तो आनी नहीं है। शायद इसलिए कांग्रेस के प्रत्याशी चयन से संबंधित बैठक में ध्यान देने के बजाय उन्होंने कैंडी क्रश खेलना उचित समझा। इसके साथ बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष अरुण साव ने भी सीएम भूपेश बघेल और प्रदेश प्रभारी कुमारी शैलजा पर तंज कसा। जहां बीजेपी ने एक्स पर पोस्ट किया, तो वहां कांग्रेस भी कहां चुप रहती। कांग्रेस के नेताओं ने भी इस ट्वीट को लेकर पलटवार शुरू कर दिया। फिलहाल इस बैठक के बाद अब यह तय माना जा रहा है कि 13 अक्टूबर को दिल्ली में होने वाले केंद्रीय चुनाव समिति की बैठक में प्रत्याशियों के नामों पर फाइनल मुहर के साथ पहली लिस्ट जारी होगी।